फाइव ऑफ अपवर फ्रीलांसिंग छोड़ो, नई साइट पे काम करो जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ही ना के बराबर है। मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत से कमेंट आते हैं, सर हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता है ना अपवर पे, ना ही फाइवर पे, ना ही फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे। उनके लिए मैं रिसर्च करके बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट ढूंढ के लाया जिसमें बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नई वेबसाइट है जिसमें आप अपनी सर्विस देकर अपने गिग अप्लाई करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और कंपटीशन से हटके अपना काम सेट कर सकते हैं, अपना अंपायर खड़ा कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के क्षेत्र। जो लोग बिगनर हैं, फ्रीलांसिंग करना नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन मौका है, इस मौके को बिल्कुल भी मिस ना करें आप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली है। एक तो वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, इसमें आपकी सर्विस ऑर्डर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, मैं इसमें आपको एक एक स्टेप बारीकी से समझाने वाला हूँ, क्या क्या आपको करना है, कैसे आपको अकाउंट बनाना है, कैसे 100% आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, कैसे आपने गिग अपनी बनानी। गिग का मतलब विज्ञापन होता है, इसमें गिग का मतलब सर्विस दिया जाता है। जो भी आपकी स्किल है, जो भी आप काम करते हैं या फिर जो मैं सिखाता हूँ वो आप करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, घर बैठे ही अपने $1,000 कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं गारंटी से कहता हूँ इस बात को, जो बंदा ये मेरी वीडियो आज ढंग से देख लेगा, अपना अकाउंट, अपनी प्रोफाइल, अपनी गिग सही से सेटअप कर लेगा, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर पाए। और जो लोग स्किप करके देखेंगे, स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखेंगे, वो लोग मेरी नज़र में कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि 10-15 मिनट का टाइम देकर वीडियो देख के कुछ सीख के अगर बंदा कुछ कमाने लग जाता तो मेरी नज़र में बहुत बढ़िया बंदा है। जो बंदे स्किप कर करके एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते तो वो मेरे चैनल पर ना आया करें, वो इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियो। मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो ऑनलाइन अर्निंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि वीडियो पूरी देखते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। जो इम्प्लीमेंट करता है वही कमाता है, जो इम्प्लीमेंट नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं कमाता है। ऐसे 95% लोग होते हैं। कितने में हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, 95 में से हो या फिर 5% में से। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपनी वेबसाइट की ओर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सर्च करके देख सकते। जो मैं वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे पहली वीडियो मेरी हो, किसी सर्च इंजन में आप सर्च करके देख सकते हैं इस वेबसाइट को, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी जो मैं ढूंढ के लाया हूँ। आप मेरी इतनी मेहनत करने के लिए सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरे ध्यान से देखना समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करते रहे, यही मैं चाहता हूं। ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपनी वेबसाइट की ओर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली। और इस वेबसाइट का एक फंडा है, एक रूल है, लेट्स योर परचेज इंपैक्ट लाइव्स इन वन ऑर्डर वन मील्स डोनेट। कोई भी एक ऑर्डर कंप्लीट होता है तो एक मील, एक खाना एक बंदे को जरूर डोनेट करेंगे। राइट साइड कॉर्नर पे आपको रजिस्टर्ड और लॉगिन का बटन मिलेगा, आप रजिस्टर्ड बटन में टैप करेंगे, आप यहाँ से गेट स्टार्टेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, कंटिन्यू गूगल, कंटिन्यू फेसबुक, और अपना नाम, लास्ट नेम, मेल आई डी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, एम नॉट रॉबर्ट कैप्चा फिल करके सैनिक के बटन में टैप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैसेज आएगा, जो आपने मेल आईडी डाली है उस पर आपको वेरिफिकेशन लिंक पहुँचेगा, जो कि आप मेन इनबॉक्स में ना मिले तो स्पैम फोल्डर में आप चेक कर लेंगे और अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। इनकी तरफ से आपको यहाँ पे मेल आएगा गिग फील्ड की तरफ से, डियर गुरमीत सिंह, यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन है, यहाँ पे अपने टैप करना है और आप लॉगिन कर लें, और आप अपना मेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। उसके बाद आपके सामने सेंटर पे आएगा, यहाँ पे आपके लिए मेल आईडी आ जाएगी और यहाँ पे अपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप इंडिया से हैं इंडिया डाल लेना, जहाँ से भी हो वहाँ से डाल लेना। सारी कंट्री आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जिस भी कंट्री से आप हों वो कंट्री आप डाल लेंगे, भूटान वूटान जो भी आपकी कंट्री हो वो आप डाल लेंगे। मैं इंडिया से हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया चूज कर लेता हूँ, ये मैंने इंडिया चूज कर लिया और कंट्री बटन में टैप। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप डैशबोर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पे अपनी मेल आईडी, आपका नाम सब कुछ नज़र आएगा, इसे आप देख लेना है। इसको आपने कंप्लीट करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, कंप्लीट प्रोफाइल कैसे बनानी है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इमेज वाले आइकन पे आना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपने इमेज डाल देनी है, कोई भी अपना लोगो या इमेज, अभी अपनी बढ़िया सी पिक्चर डालनी है अपने स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं भी डाल देता हूँ। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे अपना अपने वेबसाइट चैनल का लोगो डाल दिया है। आपके जो स्किल हो, मैं तो फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो भी आपकी स्किल हो उसके अकॉर्डिंग
या फिर अपनी फोटो लगाना या फिर अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कोई भी फोटो लगा ले। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया आपका लिखा आएगा, जो भी आप कंट्री से लॉगिन करेंगे अपनी लोकेशन देंगे वही लिखा आएगा। यहाँ पे ऑफलाइन लिखा रहा है, स्टेटस आपका ऑनलाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन अपडेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे ऑनलाइन आपका स्टेटस आ जाएगा। अबाउट योर सेल्फ लिखना है आपने, इसको अगर आपको नहीं लिखना आता है तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, हम इसके लिए चैट जीपीटी की मदद लेंगे। यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वही आपने लिखना है अपने स्किल के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आपने वैसे लिखना है, आई एम अ लोगो डिजाइनर, प्लीज़ राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माई सेल्फ। जो भी आपकी स्किल होगी आपने वो यहाँ डालनी है, और प्लीज़ राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन माई सेल्फ यहाँ पे लिखना है, आपने क्लिक कर देना है, जो कि आपको तुम्हारा माई सेल्फ लिख के यहाँ पे दे दे। जो भी आपको ये डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है इसने, ये आप जाके अपने अबाउट उसमें डाल देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेंसिल के निशान पे और यहाँ पे आप करके पेस्ट, तो आपको अबाउट अस यहाँ पे आ जाएगा और फ्रेंड्स इसे आप अपडेट कर दें। ये आपके हो गया क्लियर। अब रह गया आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी जो भी हो आप उसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में आप क्लिक करेंगे इसे पेंसिल के निशान पे, तो आपको बेसिक नहीं इंग्लिश लिखनी है, आपको यहाँ पे फ्लुएंट पे आपने क्लिक करना है। दूसरी लैंग्वेज आपको अपडेट करना चाहें तो दूसरी भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो अपनी दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी तीन लैंग्वेज डाल दी है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तीनों तीनों फ्लुएंट लिखती है मैंने। आप इसके अलावा कोई लैंग्वेज जानते हो, भोजपुरी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, जो भी जानते हो वो आप डाल सकते हैं। जितनी लैंग्वेज आप ज़्यादा डालेंगे उतने ही आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे आया था आपका फेसबुक लिंक करना चाहे फेसबुक लिंक कर सकते हैं, गूगल लिंक करना चाहे गूगल लिंक कर सकते हैं। मैंने अपना गूगल लिंक कर दिया है, आप दोनों में क्लिक करके दोनों बुक लिंक कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे स्किल का ऑप्शन आ गया है, प्लस के आइकन पर टैप करेंगे हम, तो यहाँ पे जो भी हमारा स्किल होगा वही आप डालेंगे। मेरे लोगो डिज़ाइन का है तो मैं लोगो डिज़ाइनिंग डालूंगा। फ्रेंड्स अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो भी आपके कैटेगरी में आते हैं, सब कैटेगरी में आते हैं, वो आप डाल देंगे। डिजाइनिंग, ईबुक कवर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, लोगो बिजनेस, लोगो फॉर बिजनेस, जो भी आप डाल सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपने एजुकेशन डालनी है, जो भी अपने एजुकेशन ले रखी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन हो वो डाल लेंगे, कहाँ से आपने करी है, कौन से सन में करी है, वो डाल के अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डालने के बाद आप इसे ऐड कर देंगे और फिर ऐसे ही आपने सर्टिफिकेशन कर रखी है तो भी कोई प्रूफ नहीं देना है, आपने डाल देना है। मैंने डाल दिया लोगो डिज़ाइनिंग उडमी पास इन 2023 में, ठीक है फ्रेंड। ऐसे आपने भी डाल देना है, ऊपर स्क्रॉल करके आके आपने प्रीव्यू पब्लिक मोड कर देना है। प्रीव्यू पब्लिक मोड करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, पूरी प्रोफाइल आपकी जो भी अपडेट हो जाएगी, जैसे जैसे आपने डाला होगा वैसे वैसे आपके सामने लिखा हुआ आ जाए। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट आपकी बनने वाली है, आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनने वाला है। फ्रेंड्स प्रोफाइल सारे चेक करने के बाद हम जाएंगे बिल्कुल बैक, किसे अपने पेज को हम बैक करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे जो भी आपने सर्विस देनी है। यहाँ पे प्लस के पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे 5-6 पड़ाव हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, कैसे कैसे करना है सारा समझाने वाला, तो वीडियो पे बिल्कुल बने रहना है। अगर आप असलियत में हकीकत में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मैं जरूर कमा के दूंगा इस वेबसाइट से पैसा। और फ्रेंड्स यहाँ पे अपने अपनी सर्विस का टाइटल लिखना है, आई विल डू लोगो डिज़ाइन, बुक कवर एंड बिजनेस लोगो, जो भी आपकी स्किल होगी उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी टाइटल डाल देना है। और यहाँ पे आप कैटेगरी डालनी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, ग्राफिक डिज़ाइन हो गई, ग्राफिक डिज़ाइन डाल लेते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और फ्रेंड्स यहाँ पे अपने कैटेगरी की अपनी स्किल के अकॉर्डिंग टैग डाल देंगे। टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टैग डाल सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा टैग डालना और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। फिर पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आप आ गए हम प्राइसिंग के स्टेप पे। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा प्राइसिंग का, यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड डिलक्स और प्रीमियम में अपने वो लिखने हैं, तो आप जैसे जैसे है वैसे वैसे जैसे जैसे मैं लिखूँगा वैसे वैसे आप डालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी आप स्किल आपके पास है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो आप सर्विस देना चाहते हैं, जैसे मैं लोगो डिज़ाइन करवा लो या बुक कवर बनवा लो, ये मैंने सर्विस दे रखी है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन में यही डाल दिया मैंने। यहाँ पे डिलीवरी टाइम डालेंगे, मैं तो एक दिन में करके दे सकता हूँ तो मैं एक ही दिन डाल दूंगा। सब में मैं प्रीमियम में, बेसिक में, स्टैंडर्ड में, सब में एक ही दिन डालूंगा, मैं तो एक ही दिन में बना के दे दूंगा। आपके पास जितना भी टाइम लगता हो आप उस हिसाब से डिलीवरी टाइम दे सकते हो। और यहाँ पे रिवीजन आप कितना करके देंगे, कितनी बार करके देंगे, मैं इसमें 2 बार करके दूंगा बेसिक में, और तुम्हारा इसमें मैं 5 बार करके दूंगा स्टैंडर्ड में,
और इसमें अनलिमिटेड करके दूंगा, जितने भी रिविजन करवाएगा उतना मैं करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है फ्रेंड, और प्राइसिंग की बात कर लें, यहाँ पे प्राइसिंग हम लिखेंगे कम से कम $5, $5 कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी $5, चलो इसमें मैं $10 डाल देता हूँ, और इसमें और फ्रेंड्स आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। आपका दूसरा स्टेप यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तीसरे स्टेप पे आ गए हम, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने सर्विस के रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे कि ये लिखा है डिस्क्राइब योर सर्विस, तो आपने डिस्क्रिप्शन अपने ChatGPT की मदद से लिख लेना है। तो फ्रेंड्स आपने ऐसे लिखना है, प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोगोस, बुक कवर एंड बिजनेस कार्ड सर्विसेज, जो भी आपकी स्किल होगी वो आपने यहाँ डाल देनी है। प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन लिख के और अपने ChatGPT से अपना डिस्क्रिप्शन लिखवा लेना। बहुत ही प्यारा डिस्क्रिप्शन लिख के देता है ChatGPT, ये देखो कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, इसे आप कॉपी करके। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, जिस भी पैराग्राफ को आप अपना बोल्ड करना चाहें वो बोल्ड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें मैंने बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो गया है, आप जितना पैराग्राफ बोल्ड करना चाहें उतना कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन पे, ये अगर इसके बगैर हमारा काम चलता तो करके देखते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करके। और फ्रेंड्स अब आप आ गए हैं अपने चौथे स्टेप पे, जो कि रिक्वायरमेंट का है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए बायर से, तो हमें उससे 50% एडवांस चाहिए, तो हम 50% एडवांस लिख देंगे यहाँ पर। और फ्रेंड 50% एडवांस पेमेंट लिखने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप कोई और रिक्वायरमेंट भी हो उसे ऐड कर सकते हैं, मेरे फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे ऐड कर दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप आ जाएंगे चौथे पांचवे स्टेप पे, गैलरी वाले में। यहाँ पे आपको 3 इमेज डालने का ऑप्शन है, 3 इमेज डाल सकते हैं अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, अपने गिग के अकॉर्डिंग, तो मैं डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी इमेज लगाने, 3 इमेज का ऑप्शन है यहाँ पे, प्लस के बटन पर टैप करके आप अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी आपकी इमेज हो वो डाल के अपने 3 इमेज सेट कर लेंगे यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम करेंगे इसे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे को मैसेज आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशन, आपकी ये गिग तैयार हो चुकी है, आपकी सर्विस तैयार हो चुकी है, इसे आप सेव एंड पब्लिश कर दें। करने के बाद इसे ओके कर देंगे, आपकी गिग पब्लिश हो जाए। आपकी गिग पब्लिश होने के बाद आपके सामने ऐसे नजर आएगी, यहाँ पे आपको जो भी अपने डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वो नज़र आएगा, और यहाँ पे आपका रेट नज़र आएगा। इस पर क्लिक करके आपके प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे आपको प्रोफाइल नज़र आएगी, ऐसे आपका पूरा प्रोफाइल आपकी गिग नज़र आएगी, जो कि कस्टमर देखेगा और आपको काम देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसके मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करते रहे, वीडियो लोगों को शेयर करें जो ऑनलाइन में अर्निंग करना चाहते हैं। मिलते अगली नई वीडियो में, तब तक।